हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव IAS। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 11th एक्सपीडिशन ऑफ एन इंडियन मिशन टू द सदर्न ओशन। तो बेसिकली हुआ क्या है, हमारे कुछ साइंटिस्ट लोग हैं जो एक साउथ अफ्रीकन जहाज़ में बैठ करके सदर्न ओशन के बारे में जानने गए हैं, एंटार्क्टिका के बारे में जानने गए हैं, और ये हमारा 11th एक्सपीडिशन है। ठीक है, तो उसी के बारे में जानेंगे क्या क्या है उसके अंदर। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, देखो साउथ अफ्रीकन ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है SA ओग्लास, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और ये इंडिया का 11वां एक्सपीडिशन है सदर्न ओशियन या फिर एंटार्क्टिक ओशियन को स्टडी करने का। बेसिकली जो अभी जो रिसर्च वेसल है या फिर जो जहाज़ है वो रिट्स बे में है, जो कि कोस्टल वाटर्स एंटार्क्टिका के अंडर में ही आता है। और इस टाइम पर जो भारतीय है, भारतीय बेसिकली इंडिया का तीसरा स्टेशन है एंटार्क्टिका में। दो और हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। उसके अलावा नोट्स में अगर देखें हम, तो जो ऐसे ओग्लास, ये जो इसका नाम रखा गया है इसलिए रखा गया क्योंकि जो ओग्लास है एक वार्म ओशियन करंट है जो सदर्न अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट में जो है रन करता है। उसके अलावा बात करते हैं इंडिया के एंटार्क्टिक मिशंस की, तो इंडिया ने ऑफिशियली जो ट्रीटी पर साइन किए थे वो किए थे एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम 1 अगस्त 1983 को, और 12 सितंबर 1983 को इंडिया इसका 15th कंसोलिडेटिव मेंबर बन गया था एंटार्क्टिक ट्रीटी का 1983 में 12 सितंबर को। उसके अलावा तब से ही इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ा रहा है, और अभी उसने अपना नया स्टेशन 2015 में ही वहाँ पे कमीशन किया है जिसका नाम है भारती। उसके अलावा उसने मैत्री बना रखा है जो कि पिछले 30 सालों से है, और सबसे पुराना जो हमारा बेस है वो 1984 में हमने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री पुराना होने के कारण जो है वीक पड़ चुका है, तो आज की तारीख में वो सिर्फ एक सप्लाई बेस है। उसके अलावा बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस मिशन के, तो जो हमारा नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCOPR, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो गोवा में है, उसने कहा कि जो ओशियनिक जो रिमोट एरियाज़ हैं या फिर जो दूर के ओशियनिक एरियाज़ हैं उनके अंदर जो चेंजेस होते हैं उनका हमारे यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़े बड़े जो वेदर फिनोमेना है उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फॉर एग्जांपल इंडियन मॉनसून। ठीक है, एंटार्क्टिका हमसे इतनी दूर है, वहाँ पर होने वाले चेंजेस पे इंडियन मॉनसून जैसे जो बड़े बड़े वेदर फिनोमेनाज हैं उन पर क्या असर पड़ता है, बेसिकली इस चीज़ की स्टडी करना। ठीक है, तो उसके अलावा जो सदर्न ओशियन का इकोसिस्टम है किस तरीके से काम करता है और वहाँ पर होने वाले चेंजेस ट्रॉपिकल क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करते हैं, इन चीज़ों को जानना जो है इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा इसके 6 और प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जिसके ऊपर बेसिकली काम होगा। सबसे पहला तो सदर्न ओशियन का एक हाइड्रोनॉमिक्स और बायोकेमिस्ट्री जानना। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर जो गैसेस का मूवमेंट होता है, हेलोजेंस है, डाइमिथाइल सल्फर है, वो किस तरीके से होता है इस चीज़ को जानना, वहाँ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज़म्स उनके बारे में जानना, है ना, वहाँ पे जो प्रेजेंट एरोसोल्स हैं उनकी क्या ऑप्टिकल और रेडिएटिव प्रॉपर्टीज़ है उनको जानना। उसके अलावा सदर्न ओशियन का क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन मॉनसून पे इसको जानना, और वहाँ पे किस तरीके का फूड वेब है जो चलता है, क्या फूड वेब है, क्या उसका डायनामिक्स है, क्या उसका प्रोसेस है, वो जानना, जिससे कि एक सस्टेनेबल फिशिंग का जो एक मैकेनिज़म है वो वहाँ पे क्रिएट किया जा सके। सिग्निफिकेंस क्या, देखो बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, सबसे पहला तो हमें पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या साइक्लिक मोमेंट है, होता है क्या है बेसिकली, देखो हमारे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, वहाँ पे तो इतनी हैबिटेशन है नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ से जो रिलीज़ होता है वो वहाँ पे चले जाता है, सदर्न ओशियन में चले जाता है, वहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण जो है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन फिर वाटर मासिस के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू वो दोबारा ट्रॉपिकल रीजन में आता है जो कि वार्म एरिया है, और फिर वो क्या नाम है गैस बन के दोबारा एटमॉस्फेयर में चले जाता है। तो इस एक्सपेडिशन की मदद से ये पता लगाएंगे कि कितनी क्वांटिटी है जो CO2 की वापस आ जाती है और कितना टाइम पीरियड लगता है इस साइक्लिक मोमेंट को कंप्लीट होने में। ठीक है, उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल करके आती है वो है द सदर्न ओशियन अ ट्रांसपोर्ट एजेंट। बेसिकली सदर्न ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो सारे बड़े ओशियंस को, मेजर ओशियंस को कनेक्ट करता है, तो ये कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट में क्या करेगा, ये यहाँ की हीट को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है और इधर की हीट को उधर को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट होता है कोई भी एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस का। एंथ्रोपोजेनिक फोर्सेस मतलब वो पोल्यूशन जो हम फैला रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स फैला रहे हैं। ठीक है,
तो उन फोर्सेस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है। हो सकता है यूरोप ज़्यादा एमिशन ट्रांसमिट करता हो और सदर्न ओशन के थ्रू वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा आ जाता हो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सदर्न ओशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक ट्रांसपोर्ट एजेंट की तरह काम करता है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं लास्ट में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रीजन, ठीक है। बेसिकली ये एक ऑटोनोमस रिसर्च और डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूशन है जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंडर में, और एस्टेब्लिश हुआ था 1998 में, गोवा के अंदर लोकेटेड है। पोलर और सदर्न ओशियन से रिलेटेड जो है ये रिसर्च वगैरह करता है, ठीक है। और बेसिकली इसका काम है प्लानिंग करना, प्रमोशन करना, कोई भी अगर साइंटिफिक रिसर्च कैरी आउट होनी है उसको एग्जीक्यूट करवाना, ये बेसिकली इसके काम है, ठीक है। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितने भी एंटार्क्टिक में रिसर्च बेस है हमारे, मैत्री भारती और उनकी मैनेजमेंट रखना, और आर्कटिक ओशन, आर्कटिक बेस जो है हमारा ऊपर की तरफ नॉर्थ में वो है हमारा हिमाद्री, उसका भी मैनेजमेंट यही देखते हैं, ठीक है। तो यही इसके अंदर में था, वीडियो के अंदर बहुत कुछ इसमें जानने को था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, साइंटिफिक टॉपिक था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इन्वायरमेंट का भी ये पार्ट था ही। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताइए, वी विल वर्क अपॉन डेट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, गुड बाय।